ओम नमः शिवाय। पौष मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार पंचमी तिथि शाम 8 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पूरे दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, साहसी, बुद्धिमान, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले, अनुशासन प्रिय, आशावादी, मित्रों के हितैषी, व्यवहार कुशल, दूसरों से काम निकालने में चतुर, करुणा प्रधान, महत्वाकांक्षी और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, दशा ठीक रही, शनि और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी कुंभ राशि में ही चलते रहेंगे और आज भी चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र पूरे दिन बृहस्पति का होगा, जिससे प्रबल उत्साह और कार्य क्षमता बनी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे, विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा मिलती रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि कार्य क्षमता को बढ़ाने वाली होगी और सकारात्मक दृष्टिकोण से मेहनत करने की प्रवृत्ति भी बनी रहेगी। आज का राहु काल प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा, अतः इस दौरान किसी शुभ काम की शुरुआत ना करें, अन्यथा अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं और काम अधूरा रह सकता है। मेष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में परिश्रम करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं, कार्य योजनाओं के विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ेगी। प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात और सरकारी कामकाज से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कामकाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्रगति के अवसर मिलेंगे। निजी संबंधों में सुधार और यात्रा के दौरान खर्च की स्थिति भी बनती है। वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और शाम के बाद वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों की प्रबल इच्छा शक्ति और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी और नवीन और गूढ़ विषयों को सीखने के अवसर मिलेंगे। कार्य योजनाओं में सरकारी मदद मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी। अपने निजी संसाधनों और संतान संबंधी दायित्व पर खर्च का संकेत मिलता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार और निजी निवेश लाभदायक रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गुरु के नक्षत्र में चलना अधूरे और रुके हुए कामों को संपन्न कराने में सहयोग के साथ साथ व्यावसायिक सुदृढ़ता का संकेत भी देता है। कार्य क्षमता में वृद्धि और मानसिक स्तर पर अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा और व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता के संकेत मिलते हैं, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में चोट चपेट का संकेत देता है। विभागीय मामलों में सकारात्मक प्रेरणा लाभ मिलाएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी। अतिरिक्त कार्यभार को बखूबी निभाने में सफल रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अतिरिक्त लाभ के नए अवसर दिखाई पड़ेंगे। निजी रिश्तों में तनाव संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धि दिलाने वाला होगा। किए गए प्रयास सार्थक होंगे। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और विकास का मौका मिलेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे और साझेदारी सफल रहेगी। सरकारी कामकाज में रुचि बढ़ेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट या विवाद का संकेत भी मिलता है और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। सकारात्मक प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सकारात्मक पहल बनी रहेगी और कार्य योजनाओं के नए मार्गों का विकास होगा। आपका दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति हर काम को सफल बनाने में सक्षम होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक मामलों में सफलता का संकेत मिलता है। किए गए प्रयास सार्थक होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जटिलताएँ संभावित हैं।
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन लाभदायक सिद्ध होगा। सकारात्मक प्रयास जारी रखें। तुला राशि के जातकों के लिए प्रबल आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी और विकास के नए मार्ग मिलेंगे। चंद्रमा का गुरु के नक्षत्र में होना आपसी सहयोग में कमी मगर प्रतियोगी भावना विकसित करने का संकेत देता है। कुछ मामलों में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव भी संभावित है और कार्य क्षमता प्रभावित होगी, मगर आर्थिक लाभ के अवसर मिलते जाएंगे। पारिवारिक प्रेरणा का लाभ मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक प्रयास सफल रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और रचनात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। क्रियाशीलता बनी रहेगी। मन मुताबिक काम होते जाएंगे। विभागीय और प्रशासनिक सहयोग जारी रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, मगर परिश्रम की प्रवृत्ति बनाए रखें। मन के नकारात्मक विचारों को दूर रखें। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। साझेदारी के मामलों में सहयोग मिलेगा। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। सफलता संभावित है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और सफलताओं से भरा रहेगा। मेहनत और संघर्ष करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे और मातृपक्ष से सहयोग कायम रहेगा। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलते जाएंगे और साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है। कुछ मामलों में मानसिक दबाव महसूस होगा और कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। आय संबंधी संसाधनों में वृद्धि होगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ दिलाने वाला होगा। आमदनी की मनोवृत्ति बनी रहेगी और निजी निवेश लाभदायक रहेगा। ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा और हर काम में अनुशासनशीलता और प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति कायम रहेगी। कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा और नए अनुभव के साथ नए प्रस्तावों को लागू करने में सफल रहेंगे। भाग्यवश काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ की निरंतरता बनी रहेगी। संतान संबंधी कार्य पूरे होंगे और पारिवारिक माहौल खुशनुमा महसूस होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों की रचनात्मक क्रियाशीलता के साथ आर्थिक लाभ बना रहेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे और अचानक धन लाभ की संभावना बनती है। वाहन जमीन इत्यादि निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यवसाय संबंधी मामलों में उत्कृष्ट सफलता का योग बनता है, मगर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाद विवाद और विरोधियों की साजिश से बचें। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी करने वाले जातकों को प्रोन्नति के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। सकारात्मक प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक सहयोग बना रहेगा और लाभ के नए अवसर सामने आएंगे, मगर अचानक आर्थिक लाभ के साथ साथ अपव्यय और आर्थिक हानि भी संभव है। हालांकि रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव संभावित हैं और साझेदारी सफल रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक रहेगी। दूसरों की सलाह पर सावधानीपूर्वक अमल करें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।